कुक्षी विधानसभा के घोषित प्रत्याशी वर्तमान भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल के नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर जयदीप पटेल का स्वागत किया। वहीं जयदीप पटेल ने नगर में स्थित श्री गणेश मंदिर जाकर पूजा अर्चन की, जिसके बाद जयदीप पटेल ने कुक्षी भाजपा के पूर्व विधायक मुकाम सिंह किराड़े से निज निवास पर जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश धारीवाल तथा अन्य वरिष्ठ जनों से जाकर भी आशीर्वाद लिया। सचिव पुनराभ्याम नम मातृतिक्षण कम देव भ्यो नम इष्ट देवता भ्यो नम कुल देवता भ्यो नम ग्राम देवता भ्यो नम स्थान देवता भ्यो नम निलाय जगद्वीताय नागा आशीर्वाद वाले तो बार बार आशीर्वाद दे दिया है ना। बैठो दादी बेटा से आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और निश्चित रूप से ये आश्चर्य की बात है कि हम लोग कुछ दिनों पहले एक बड़ा रामकथा का आयोजन कर किया था और कल ही उसकी पूर्णाहुति हुई और आज से फिर से हम पार्टी के काम में लगे थे। यहाँ पर बैठक में ही उपस्थित थे। जब पहले बार मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि भैया आपका नाम टीवी पे फाइनल हो चुका है, लगभग उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया तो उन्होंने भी यही कहा कि सही बात है और आपको चुनाव डटकर चुनाव लड़ना है। मैं कार्यकर्ताओं को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब कार्यकर्ता मेहनत से यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बूथ पर जाकर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बार जो 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार कार्यकर्ता की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुक्षी विधानसभा में बने। क्या इस बार माना जाए कि कुक्षी विधानसभा का जो वनवास था भाजपा का वो समाप्त हो सकता है? इस बार कार्यकर्ता की मेहनत से, और मैंने कार्यकर्ताओं से भी आज अपील की है कि किसी का नाम विक्की है, किसी का नाम कैलाश है, किसी का नाम दुर्गेश है, वो 4 महीने के लिए सब कार्यकर्ता जयदीप पटेल बन जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम बूथ पे चुनाव जीत कर, और इतिहास क्या है, 2011 में हम यहाँ उपचुनाव जीते थे और 90 में भी कार्यकर्ता की मेहनत से, वरिष्ठ लोगों की मेहनत से यहाँ पर चुनाव कुक्षी विधानसभा में जीते और वरिष्ठों के आशीर्वाद से सभी युवा मेहनत करेंगे और इस बार कुक्षी विधानसभा का चुनाव जीतेंगे।